उठिए, आप फिर लेट हो गए। कभी कभी हम सोचते हैं कि काश हमें सुबह की नींद छोड़कर उठना ना पड़े, लेकिन क्या हो अगर आप कभी सोए ही ना? क्या हो अगर आप कोई ऐसा तरीका निकाल लें जिससे आप हमेशा जागते रहें? आखिर आप कितने दिन जाग सकते हैं? रात को खुद को रिचार्ज किए बगैर आप कितने काम के बचेंगे? कब आपके दोस्तों को यह लगने लगेगा कि आपको आराम की जरूरत है, और आपके शरीर पर इसका क्या असर होगा? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर आप सोना बंद कर दें। कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई काम खत्म करने के लिए या डेट पर जाने के लिए या छुट्टी का लुत्फ उठाने के लिए आपको बस कुछ और घंटों की जरूरत हो? अगर आप अपने रूटीन से नींद को हटा दें तो आपको दिन के पूरे 24 घंटे मिलेंगे और आप वो सब कर पाएंगे जिसके लिए आपके पास वक्त कम पड़ता था। अगर आपको ये पता चले कि अब आपको कभी भी अपना वक्त बिस्तर पर लेटकर बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, तो इसके आगे एक आध बार जमाई लेना या थकान तो बहुत छोटी बातें होंगी, है ना? वैसे आपको बता दें, सोने के पीछे कई अच्छी वजहें हैं। एक आम शख्स अपने जीवन का एक तिहाई वक्त अपने बिस्तर पर आंखें बंद कर खर्राटे लेते बिताता है। सुनने में तो कीमती वक्त की बर्बादी लगती है, लेकिन आपके शरीर के लिए ये फिजूल नहीं है। जब आप सोते हैं तो आपके शरीर में हॉर्मोन्स और रिपेयर टिश्यू बनते हैं। इससे आपके पुराने सेलों की जगह नए सेल आते हैं। अगर आपने दिन में कसरत की है तो आपको अपनी मांसपेशियों को बढ़ने देने के लिए और फैट को बर्न होने देने के लिए सोने की जरूरत होगी। तो क्या हो अगर आप ना सोएं? शुरुआत में ज्यादा कुछ नहीं होगा, 24 घंटों तक आपको सब कुछ ठीक लगेगा, बल्कि आपको ठीक से बेहतर महसूस होगा। ऐसा इसलिए कि नींद लेने पर आपके दिमाग का मेसोलिम्बिक रास्ता खुलने लगता है। इस जगह से डोपामीन निकलता है और आप खुशी और एनर्जी से भरा महसूस करते हैं। लेकिन इस खुशी के धोखे में ना आए, ये ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं टिकने वाली। 24 घंटे के बाद आपके सारे रिएक्शंस धीमे पड़ने लगेंगे। आप वो सब भूलने लगेंगे जो आप कर रहे हैं। बाहर से ऐसा नजर आएगा जैसे आप नशे में हैं। जरा रुकिए, हम कहां थे? हाँ, 2 दिन नींद लिए बगैर रहने से क्या होगा? आपके शरीर को ये लगने लगेगा कि आप बंद पड़ रहे हैं। आपके शरीर में ठीक तरह से ग्लूकोज नहीं बनेगा, जिससे शरीर को उसकी एनर्जी नहीं मिल पाएगी। आपका चेहरा उतरा हुआ दिखने लगेगा, आंखें लाल पड़ने लगेंगी, और फिर इससे भी बुरा, आपके चेहरे पर झुर्रियां साफ नजर आने लगेंगी। 3rd दिन, यहां से शुरू होगा असल मजा। आपको चीजें नजर आने लगेंगी। अपनी रेम स्लीप के बगैर आपका दिमाग हर तरह के बुरे अच्छे सपने खुली आंखों से आपको दिखाने लगेगा। 72 घंटों के बाद आप खुद के शरीर से प्रोटीन लेने लगेंगे, यानी अपनी मांसपेशियों से। तो इतनी मेहनत करके जो आपने बॉडी बनाई, उसे अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाएं। आपके शरीर को जहां से भी एनर्जी मिल सकेगी वो लेगा, जैसे कि शरीर में बचा ग्लूकोज, आपकी मांसपेशियां, फैट, टिश्यू। 2 हफ्तों के बाद आपका रोगों से लड़ने वाला सिस्टम इतना कमजोर हो जाएगा कि आप किसी आम फ्लू से भी मर सकते हैं। आखिरकार नींद के बगैर 3 हफ्ते रहने के बाद आप दिल के दौरे से मर जाएंगे। अगर आपके शरीर में एक्स्ट्रा मसल या फैट है तो आप थोड़े और वक्त तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हम इसे आजमाने की सलाह नहीं देंगे। तो एक तकिया उठाएं और थोड़ी नींद ले लें। अगर आपको लगता हो कि आप हमेशा थकान महसूस करते हैं, तो ध्यान दें कि आप 6 से 8 घंटे की भरपूर नींद जरूर ले रहे हों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।